नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। सुशील मोदी के लिए अब घर से निकलना मुश्किल हो गया है क्योंकि पटना में उनके खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। बरसात के 15 दिनों के बाद जिस पटना ने लगातार 3 दिन तक वो जल कैदी बनकर पूरा पटना रह गई थी, अब सुशील मोदी के लिए लगातार मुश्किल बढ़ रही है। उन्हीं के मोहल्ले के लोगों ने सुशील मोदी के खिलाफ उनके घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। लगातार उन्होंने सुशील मोदी का विरोध किया, नारे लगाए और वो सुशील मोदी से मिलने की मांग कर रहे थे, लेकिन सुशील मोदी अपने पैतृक आवास में नहीं थे। आपको बता दें कि वीडियो में दिख रही है तस्वीर पटना के राजेंद्र नगर की है। राजेंद्र नगर में उनके पड़ोसी या उनके मोहल्ले के लोगों ने उनके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। सुशील मोदी हाय हाय के नारे भी लगाए और उसके बाद जमकर उन्हें कोसा भी। लोगों की जान चली गई है, चीजें तो बन जाएंगी, जिंदगी वापस आएगी किसी की, जिस घर से माँ का बेटा चला गया। आंदोलन उग्र हो गया है और सुशील मोदी बिहार के मुख्यमंत्री वो सोच रहे हैं कि आराम से बैठे हुए हैं तो बैठना नहीं देंगे, उनकी चैन को बेचैन कर देंगे। हाँ, और सारी सरकारी तंत्र को ध्वस्त कर देंगे। ये लोग काम नहीं करता है, ठीका पर गलत लोग ठीके पर लगाता है और केवल जो खाना पूर्ति होता है और विभाग का पैसा ठेकेदार को मिलता है, बचा हुआ पैसा सुशील मोदी और नीतीश कुमार जैसे नेता के पॉकेट में जाता है। मेरी अब हम लोगों की आवाज़ को उनको सुननी होगी, नहीं तो इनकी सरकार बर्खास्त हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी। आपको बता दें कि भारी बरसात की वजह से पटना लगातार 3 दिनों तक डूब गया। कहीं पर घुटने भर पानी तो कहीं पर गर्दन भर पानी था। यहां तक कि सुशील मोदी के मोहल्ले में भी काफ़ी ज़्यादा पानी भर गया था। राजेंद्र नगर भी पटना के उन मोहल्लों में शुमार था जहां पर पानी से सबसे ज़्यादा क्षति हुई थी। खुद सुशील मोदी भी 2 दिन तक घर के अंदर होस्टेज बने रहे, फिर जिला प्रशासन ने उन्हें रेस्क्यू कराया, उन्हें होटल में पूरे परिवार के साथ ले जाया गया। लेकिन लोग लगातार यह सवाल उठा रहे थे कि जब पटना के बुरे दिन थे तो सुशील मोदी किस अच्छे दिन की तलाश में अपने घर से निकलकर बाहर चले गए, वो पटना में अपने लोगों से मिलने के लिए क्यों नहीं आए, वो अपने पड़ोसियों तक से उन्होंने हाल चाल नहीं पूछा, उन्होंने अपने मोहल्ले के किसी भी लोग के घर वो नहीं गए, ना ही उन्होंने कहीं भी उसके बाद जाने की कोशिश की और लोगों से पूछा कि इस बरसात में आपको क्या क्षति हुई और उसके लिए सरकार क्या क्षतिपूर्ति करे। हालांकि नीतीश कुमार लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे, लेकिन सरकार का गुस्सा अब पूरे पटना में निकल रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि अगर यह सरकार पटना के लोगों को ही नहीं बचा पाई तो पूरे बिहार को कैसे बचाएगी, क्योंकि जिस तरीके से पटना का हाल हुआ है वह तो आपने पिछले हमारे कई वीडियो में देखा ही होगा। खैर, फिलहाल सुशील मोदी के खिलाफ लोगों का गुस्सा लगातार दिख रहा है। पटना के दूसरे चौक चौराहों से भी ऐसी खबर आ रही है जहां पर लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ तक कि आगजनी की भी कुछ मोहल्लों से खबरें हैं। सरकार भी लगातार इस पर काम कर रही है, लेकिन अभी भी पटना के कुछ इलाकों में लगातार पानी भरा हुआ है। हालांकि इस जल जमाव के बीच किसी एक नेता की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है अच्छे कामों के लिए, तो वह पप्पू यादव हैं। पप्पू यादव लगातार इस जल जमाव में भी लोगों के बीच पहुंचते रहे, चाहे वह पैदल पहुंचे हों या JCB के जरिए पहुंचे हों या बोट की उन्होंने यात्रा की, लेकिन लगातार वो मदद पहुँचाते रहे, लगातार वो आपदा से घिरे लोगों के बीच काम करते रहे। खैर, बड़ी खबर यह है कि सुशील मोदी के घर के बाहर आज उन्हीं के मोहल्ले के लोगों ने प्रदर्शन किया। सुशील मोदी हाय हाय के नारे लगाए और उनसे मिलने की भी मांग कर रहे थे, लेकिन सुशील मोदी अपने आधिकारिक निवास में थे, ना कि अपने पैतृक निवास में। लगातार हमारी नज़र बनी हुई है बिहार की भी खबर पर और देश की भी तमाम खबरों पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।